स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और वॉलीबॉल प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हैदराबाद के इलाके अमेरिकन क्वार्टर में पहली बार टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। चैंपियनशिप में मुतातिर टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कोटी टाइगर्स, लतीफाबाद जलमी, अब्बासी लीपर्स, कादरी कलंदर्स, गद्दी चीताज, एसपी वॉरियर्स, बाबू दादा लायंस, अंकल हॉक्स के अलावा दीगर टीमें शामिल हैं। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नमेंट उर्दू रेलवे प्राइमरी स्कूल अमेरिकन क्वार्टर्स के हेडमास्टर सैयद मोहम्मद इसहाक शाह थे, जिन्होंने रिबन काट कर चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज किया। मेहमान खसूसी की आमद पर वॉलीबॉल प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी सुल्तान जई ने उन्हें अचरक का तोहफा पेश किया। चैंपियनशिप में बाबू दादा लायंस और एसपीओ वॉरियर्स ने अपने अपने मैचेस में मतवातिर कामयाबियां हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैचेस स्कोर के मुताबिक पहले मैच में बाबू दादा लायंस ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अंकल हॉक्स को 2-0 से, एसपीओ वॉरियर्स ने अब्बासी लीपर्स को 2-1 से, कादरी कलंदर्स ने गद्दी चीतास को 2-0 से, लतीफाबाद जलमी ने कोटी टाइगर्स को 2-0 से शिकस्त दी। पहले सेमीफाइनल में बाबू दादा लायंस ने लतीफाबाद जलमी को और एसपीओ वॉरियर्स ने कादरी कलंदर्स को शिकस्त दी। तीसरी पोजीशन के मैच में कादरी कलंदर्स ने लतीफाबाद जलमी को 2-0 से शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप का फाइनल मैच एसपीओ वॉरियर्स और बाबू दादा लायंस के दरमियान हुआ, जो एक सख्त मुकाबले के बाद बाबू दादा लायंस ने एसपीओ वॉरियर्स को शिकस्त देकर पहले हैदराबाद टग ऑफ वॉर का टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप के तमाम मैचेस को डिस्ट्रिक्ट टग ऑफ वॉर के सेक्रेटरी एजाज अहमद शेख ने सुपरवाइज किया। बाद अज तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खसूसी भट्टी स्पोर्ट्स क्लब के सदर एजाज अहमद भट्टी थे, जिन्होंने अव्वल बाबू दादा लायंस के कप्तान तलहा खान को विनर, एसपीओ वॉरियर्स के कप्तान रमीज को रनर और कादरी कलंदर्स के कप्तान एहसान मटका को थर्ड पोजीशन ट्रॉफी दी। कबल अजी वॉलीबॉल प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर खलीकुज्जमान ने मेहमान खसूसी को सिंध की रिवायत के मुताबिक अजरक और स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन आमिर किफायत ने एजाजी शील्ड पेश की। इस मौके पर लाल रहीम, जावेद खान अंकल, अकरम शाह, आजाद खान, एजाज उर्फ नन्ना, उस्मान अब्बासी, इश्तियाक अहमद खान, हबीबुल अहद के अलावा सैकड़ों शायकीन मौजूद थे। बाद अज विनर टीम बाबू दादा लायंस के खिलाड़ियों ने अपनी फतह को रिवायती डांस के जरिए एंजॉय किया। इस मौके पर हैदराबाद स्पोर्ट्स न्यूज से बातचीत करते हुए खिलाड़ियों और मेहमानान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, जो लोग हाईजेक करना चाहते हैं उनको टग ऑफ वॉर के बारे में मालूम ही नहीं है। टग ऑफ वॉर एक बहुत पुराना कदीम खेल है, इसको पाकिस्तान में आए हुए 2-4 साल से यहाँ पर हुआ है और जितना ज़्यादा इवेंट्स मुनक्कद किए जा रहे हैं वो ज़्यादा ज़्यादा फ़रोग पा रहा है और हम भी चाहते हैं कि जो ओरिजिनल लोग हैं वो आए टग ऑफ वॉर को कराने के लिए। ये नहीं हो कि दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है और नाम निहाद लोगों ने अपनी एसोसिएशनें बना रखी हैं टग ऑफ वॉर की, जिनका कोई क्रेडिट नहीं है और वो बिला वजह के अंदर सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 3 साल से टग ऑफ वॉर के इवेंट करवा रही है। हम बेसिकली इंटर स्कूल मुकाबले कराते हैं और इंटर स्कूल मुकाबले कराने का मकसद ये है कि इंटर स्कूल के बच्चे को अगर जब गेम्स मिलेंगे तो उसमें ग्रोथ होगी, ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ी पैदा होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने कोच की गुजारिश करता हूँ कि हमारे कोच ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और हमारा कोच जो है बाबू खलीकुज्जमान है, सही है, वो हमें रोज़ प्रैक्टिस करवाते हैं और उनके मैं काफ़ी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे कोच हैं हमारे और आज हम जीते अपने दोस्तों की वजह से, जो अच्छे काफ़ी नौजवान अच्छे वो हमारे साथ थे, काफ़ी साथ दिया उन लोगों ने, काफ़ी मेहनत की। खेल के अवजान में आएगा और अपने आप को मनवाएंगे।
अंदाज मेरे स्कूल के ग्राउंड में हैदराबाद लेवल का एक रस्साकशी का मुकाबला हुआ। बच्चों ने, मेरे स्कूल के जो बच्चे आज इस मुकाबले को देखने के लिए आए थे, बड़ी दिलचस्प शिक्षा उन्होंने इस मुकाबले को देखा और मुझे इससे ज़्यादा खुशी। और मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ बाबू दादा लाइन्स को, जो कि मेरे साबिक शागिर्दों की टीम है। अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी इनको तरक्की अता फरमाए और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला ऐसे इवेंट होते रहें ताकि हम लोग आइंदा भी इसमें दिलचस्पी लें। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे स्कूल के शागिर्द भी वहाँ इस वक्त मौजूद मेरे साथ भी खड़े हैं, इस टीम के साथ होगा और इंशाल्लाह ताला अज़ीम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर के साथ मेरी पूरी टीम और मैं खुद भी यहाँ मौजूद होऊंगा। अस्सलाम। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैं हैदराबाद का सारा सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। इसके अलावा मैंने कराची के अंदर इसका कोर्स भी बाकायदा कोर्स किया है और हम तकरीबन अब तक इसके जो अपना वुमेंस मेल फीमेल दोनों इवेंट करा चुके हैं, जो हमारा जाम छोरों का हैदराबाद, अपना हैदराबाद क्लब, अपना अफजाल ग्राउंड और अब ये ग्राउंड जो के अपना वॉलीबॉल के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन आज इसके अंदर इधर भी अपना भी यहाँ के जो रूए रवा है खलीक उज़मान, उन्होंने यहाँ पे इवेंट कराकर इस बात को साबित किया। यहाँ के लोगों ने इस बात को साबित किया है कि ये इलाका सिर्फ वॉलीबॉल के से नहीं पहचान जाता, लेकिन जब भी और जिस गेम के अंदर भी इनको आजमाया जाएगा तो इंशाल्लाह ये लोगों ने विन करके इस बात को साबित किया है कि ये हर गेम में सबसे आगे हैं। हर जब भी कुछ भी होगा, कोई भी गेम्स होंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तो इसी तरह हमारे साथ भरपूर काम होगा। कैमरामैन जानसेब अज्जी के साथ शाहिद अंसारी, हैदराबाद स्पोर्ट्स न्यूज़, अमेरिकन क्वार्टर्स।